पत्थर को यूं तराशा, पत्थर को यूं तराशा, नगीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा कर मदीना बना दिया। पत्थर को यूं तराशा, नगीना बना दिया। सहरा को मुस्कुरा कर मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू न छोड़कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू न छोड़कर, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। काबिल तकरीम व तौकीर बुजुर्गान मोहतरम मताए अजीज, मेरे नौजवान भाइयों, घरों में अकनाफ व अतराफ में तशरीफ फरमा मेरी बहनों बेटियों और पूरी दुनिया में आपके इस प्रोग्राम को देखा सुना भी जा रहा है, मेरे बेपनाह इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे रब का करोड़ करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है कि उसने सेहत के साथ, आफियत के साथ, सलामती के साथ एक साल के बाद फिर 27वीं रात को हम सबको मिलकर अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करने की तौफीक अता की। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज से कहने कितने हमारे मेहरबान दोस्त थे जो गुज़श्ता साल दुआओं में हमारे साथ हिचकियां भर भर के रो रहे थे और आज वो हमसे बहुत दूर किसी ठंडे कब्रिस्तान में जिंदगी की एक एक सांस का हिसाब किताब दे। न जाने अगले साल ये बज़्म सजे तो हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। साल तो दूर की बात है, पल भर की खबर नहीं। रहमतों वाले नबी ने एक मर्तबा पूछा जिंदगी का कितना एतबार है। कुछ ने कहा सुबह उठते हैं तो शाम तक का अंदाज़ा नहीं होता कि शाम नसीब होगी या नहीं होगी।
कुछ ने कहा कि घंटे दो घंटे का भी नहीं पता कि अगला घंटा हमें नसीब होगा या नहीं होगा। जो बहुत दाना थे उन्होंने कहा नमाज शुरू करते हैं तो ये पता नहीं होता कि नमाज की तकमील होगी या नहीं होगी। तो महबूब दो आलम ने फरमाया तुमने तो लंबी उम्मीद रखी है, मेरा तो ये हाल है कि सलाम जब नमाज में फेरता हूँ तो मुझे ये नहीं होता कि दूसरे सलाम वाली मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लिहाजा इतनी लंबी क्या पता कितने हमारे मेहरबान दोस्त थे जिनकी बड़ी लंबी लंबी ख्वाहिशें लंबी लंबी आरजुएं थी, आज वो हम में नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए और अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें खैर के इस रास्ते पे इस्तेकामत के साथ मोहब्बत के साथ मवद्दत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, आज की रात अगरचे हमारा कोई एहतमाम के साथ प्रोग्राम नहीं था कि कोई इज्तिमा किया जाएगा, ना ही इसकी तशहीर की गई, ना ही इसके उस तरह ऐलानात किए गए और ना ही कुर्ब जवाब से जो बहुत बड़ा इज्तिमा आता था दूसरे शहरों से वो लोग आ सके, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप जो तशरीफ लाए हो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब के आने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक आप सब के आने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की रात तकरीर की रात नहीं है, आज की रात तो दुआ की रात है और इसमें कई फजीलतें इकट्ठी हैं। सबसे बड़ी फजीलत तो यह कि यह रमजान की रात है और रमजान का महीना जब शुरू होता है तो इसका प्रोटोकॉल यह है कि जहन्नम के सारे गेट सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने का एहसास यह है कि पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, जन्नत को महकाया जाता है, सजाया जाता है रमजान के लिए। सुभानअल्लाह, रमजान के लिए जन्नत को सजाया जाता है। जो ही रमजान शुरू हुआ तो जन्नत के दरवाजे खुल गए और रब के रहमतों की बरसात शुरू हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कायनात का रब हामिलीन अर्श को जिन्होंने अल्लाह के अर्श को अपने कंधों पर अपनी पुश्तों पर उठा रखा है, मेरा रब उन्हें हुक्म देता है उन फरिश्तों की कैफियत क्या है, शायद जमीन और आसमान उनके वजूद के सामने छोटे, इतने बड़े कद और वजूद के फरिश्ते जिन्होंने रहमान के अर्श को उठा रखा है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी तस्बीह बंद तमजीद बंद तहलील बंद रब्बुल आलमीन क्यों नाराज हो गए? नहीं नहीं, मेरे महबूब नबी की उम्मत में रमजान आ गया है। रब्बुल आलमीन रमजान आया तो तस्बीह क्यों बंद हो गई, हमारी तहलील क्यों बंद हो गई, हमारी तमजीद क्यों बंद हो गई? फरमाया इसलिए तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम मेरे मुकर्रम फरिश्ते हो, तुम मेरे मुकर्रम फरिश्ते हो, तुम्हारी ड्यूटी ये है पूरा महीना कि मेरे महबूब के उम्मती जो जो दुआ करेंगे तुमने उन दुआओं में आमीन कहनी है, तुमने उन दुआओं पे आमीन कहनी है और जिस दुआ में तुम्हारी आमीन शामिल हो जाएगी मैं उस दुआ को कबूल कर दिया करता हूं।
लिहाजा मलाइका तेरी मेरी दुआ की आमीन के लिए इंतजार में बैठे हैं। और फिर आज तकमील कुरान की मजलिस, हमारे अजीज हाफिज खुरैम ने बहुत उम्दगी के साथ कुरान करीम सुनाया। जिन्होंने तरावी पढ़ी उनको पता, जिन्होंने नहीं आज भी सुना होगा। अल्लाह हमारे इस अजीज की जिंदगी में खूब बरकतें अता फरमाए, इसे कुरान का हकीकी मानों में हाफिज कारी आलिम बामल बनाए, और अपने वालदैन के लिए, हमारे पूरे खानदान के लिए इन्हें इज्जत का जरिया बनाए। तकमील कुरान की मजलिस कि उसमें भी जो दुआ की जाती है अल्लाह वो भी कबूल फरमाते हैं। और फिर उसके साथ आज लैलतुल कदर, जिसके लिए हजरत उबैय इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि लैलतुल कदर 27वीं रात को होगी। और ये उबैय इब्ने काब कोई मामूली इंसान नहीं है, ये मुस्तफा का वो कारी है, ये वो कारी है कि जिसकी तिलावत की फरमाइश कायनात का रब करता है, जिसकी तिलावत की फरमाइश कायनात का रब करता है। मेरे महबूब उबैय को कहो कि वो कुरान पढ़े, वो फर्शों पे तिलावत करे, मैं रब अर्शों पे उसका कुरान सुनना चाहता हूं। वो कितने बड़े नसीबों वाला होगा कि जिसकी तिलावत की फरमाइश कायनात का रब करे। ये इंसान उन बुलंदियों पर कि ये इतना बड़ा कब बनता है। अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं तो जिब्रील अमीन वही की मलकूती सदाएं पहुंचाते हुए रुक गए। पूछा, आका ये जो आ रहा है ये अबू ज़र गफ्फारी है? फरमाया, हाँ ये अबू ज़र है, लेकिन ये मस्तूरुल हाल है, मदीने के लोग भी इसे अच्छी तरह नहीं जानते। आप तो सैयदुल मलाइका हो, आसमानों पे रहते हो, आप इसको कैसे जानते हो? तो फरमाया, आका ये आपके तरीकों पे चल के इतना मोहतरम, इतना मोहतशम, इतना मुअज्ज़ज़ हो चुका है कि इसको ज़मीन वाले इतना नहीं जानते जितने आसमानों वाले इसे जानते हैं। चलता जमीन पर है, तस्करे आसमानों में हो रहे हैं। पता ये चला बड़ा इंसान कब बनता है, जब वो अल्लाह और उसके रसूल की नजरों में बड़ा हो जाए, बड़ा इंसान हो जाए। एक सहाबी है, काले रंग का है, गुलाम है, बारगाह रिसालत में आता है, अपने देहात से कुछ सब्जियां तरकारियां लेके आता है, पेश करता है। जब वापस जाता है तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से उसे अता फरमाते हैं। एक दिन ये मदीने के चौराहे में खड़ा सब्जी बेच रहा है, चौक में जिस तरह सब्जी बेच रहे, अल्लाह के नबी गुजरे, उसको देखकर प्यार आ गया, उसके साथ दिल लगी, सूजी करीब गए, अचानक उसकी आंखों पे हाथ रख दिया। वो एक लम्हे के लिए तलमलाया, बड़े चौक में किसने यूं हाथ रख दिया, लेकिन चंद ही लम्हों में उसे नबूवत की बीनी बीनी खुशबू आने लगी। अब वो अपने सर को सीनाए अतहर के साथ मलने लगा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? अर्ज किया, आका आप ही ने तो फरमाया कि जिस्म का जो हिस्सा आपके जस्ते अतहर के साथ मस हो जाए मेरा रब उस पर जहन्नम हराम कर देता है। मैं अपने जिस्म को
जहन्नम से आजाद करवा रहा हूं, इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा। आपने फिर दिल लगी फरमाई, आवाज लगाई, वहां गुलाम ऐसे ही बिकते थे, मैं यश्तरी हादल अब्द, कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा। तो कहने लगा अल्लाह के महबूब, इस सौदे में तो आपको नुकसान हो जाएगा, इस सौदे में आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों? अल्लाह के महबूब, मैं तो रद्दी हूं, मैं तो बेकार आदमी हूं, कोई हुनर है नहीं, कोई शक्ल है नहीं, कोई काम मुझे आता है नहीं, मुझे कौन खरीदेगा, मुझे कौन खरीदेगा। जब ये जुमला कहा ना, अब रहमतों वाले नबी ने उसे अपने दोनों बाजुओं में थाम लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करके मुतबस्सम अंदाज में फरमाया, जाहिर तो लोगों की नजरों में पता नहीं कीमती है या नहीं है, लेकिन तू अल्लाह और उसके रसूल की नजरों में बहुत कीमती है। तो लिहाजा ईमान मुसलमान, उसकी कीमत का अंदाजा तब लगता है जब वो अल्लाह की नजरों में कीमती बन जाए, और अल्लाह की नजरों में कीमती बनने के लिए आमाल में इखलास बुनियाद होती है। आमाल में इखलास होगा, जितना इखलास होगा उतनी कीमत बढ़ती जाएगी। अल्लाह हमारे इस इखलास को, हमारी इन मेहनतों को इखलास से बढ़कर कबूल फरमा दे। लिहाजा रमजान की रात, आखिरी अशरे की रात, ताक रात, और फिर लैलतुल कदर का कवी इम्कान, जिसके लिए रब फरमाता है एक शख्स 1000 महीना इबादत कैसी, पूरी रात क्याम, पूरा दिन रोजा रखकर सोया नहीं, पूरा दिन रोजा रखकर जिहाद कर रहा है। यह है आबिद, रोजा भी है जिहाद भी है, तसलसल के साथ 1000 महीना। फरमाया पहली उम्मतों में जो आदमी इतने आमाल करे तो उम्मत मुस्तफा को यह एजाज मिला है कि सिर्फ 1 रात अगर बेदार होकर वो अल्लाह की इबादत करेंगे तो इससे ज्यादा अजर अता फरमा दूंगा, उसके बराबर नहीं, उससे ज्यादा। आसमानों पे हुक्म होता है, जाओ मलाइका को, उतरो जमीन पर, जहां जहां हल्के लगे हैं दुआओं के, इनकी दुआओं में शामिल हो जाओ। मलाइका उतरते हैं, सैयदुल मलाइका जनाब जिब्रील अमीन उतरते हैं, और फिर सिर्फ उतरते नहीं है, सैयदुल मलाइका सलाम करते हैं मोमिनों को, अल्लाहु अकबर, सलाम करते हैं। पूछा कि हमें क्या पता चलेगा कि जिब्रील अमीन ने हमें सलाम किया है। फरमाया कि जब भी तुम्हारी कैफियत ये बन जाए, दिल में खशियत पैदा हो जाए, आंखें छलकने लगे, समझो कि जिब्रील अमीन का मुसाफा हो गया है। इतनी खैर वाली रात, इतनी खैर वाली रात को कायनात का रब ऐलान करता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا
لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اے میرے محبوب بتا دو کن کو ان لوگوں کو اپنی امت کو نہیں امت کے لوگوں کو نہیں قرآن کا اسلوب دیکھو قل محبوب میرے بتا دو کن کو یا عبادی میرے بندوں کو ہائے 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 میرے بندوں کو رب تو کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے گناہوں میں زندگی گزر گئی نافرمانیوں میں زندگی لگ گئی لیکن تو اتنا کریم ہے کہ تو پھر بھی اپنے بندے کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے یہ معمولی احساس ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جب عرش اعظم سے اوپر چلے گئے رب العالمین نے پوچھا محبوبم بتا آج تجھے کس لقب سے پکاروں یا ایوہ النبی کہہ کر یا ایوہ الرسول کہہ کر یا ایوہ المزمل کہہ کر یا ایوہ المدثر کہہ کر میرے محبوب بتا آج میں کون کون سا لقب دے کے تجھے پکاروں اللہ کے نبی نے عرض کی رب العالمین تو جس طرح پکارے تو خالق تو مالک میں تیرا بندہ لیکن اگر آج تو پوچھ رہا ہے کہ آج کس لقب سے پکاروں رب العالمین آج سارے القاب ایک طرف رکھ کر آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار ہائے ہائے وأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده یہ اتنا بڑا اعزاز کہ نبی مانگ کر کہے عرش اعظم پر کہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار رب اتنا کریم ہے کہ گناہگار کو کہتا ہے یا عبادی ہائے ہائے لیکن یہاں ایک چیز میں اکثر بتایا کرتا ہوں ایک جگہ قرآن نے ذکر کیا اور وہ مرحلہ ہے جہاں پر رب نے عبادی یہ جو یا نسبت بھی کاٹ دی ہے وہ کون سا مرحلہ ہے یا حسرت علی العباد عبادی نہیں ہے یا حسرت علی العباد ما یأتیہم من نذیر الا کانوا بہ یستہزئون من رسول آتا ہے میرے یہاں من نذیر آتا ہے کہ وہ رسول ہے حافظو من رسول یا حسرت علی العباد ما یأتیہم من
الرسول الا كانوا به يستهزئون. ہائے افسوس. یہ کون کہہ رہا ہے بلند آواز سے؟ ہیں اللہ کریم. اللہ افسوس کر رہے ہیں, اللہ افسوس کر رہے ہیں. حسرت کس پر؟ یا حسرت علی العباد. ہائے افسوس بندوں پر, اپنوں پہ نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان کے پاس جب رسول آئے انہوں نے رسولوں کی بات ماننا تو دور کی بات, انہوں نے میرے انبیاء کا تمسخر اڑایا, انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا, انبیاء کا تمسخر اڑایا. پتہ یہ چلا ڈاکو کو تو میرا رب یا عبادی کہہ کر پکارے, چور کو میرا رب یا عبادی کہہ کر پکارے, بڑے سے بڑے گناہگار کو میرا رب یا عبادی کہہ کر پکارے, لیکن رسول کا مذاق اڑانے والے کو میرا رب فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہی نہیں. ہائے ہائے. جنہوں نے رسول کا مذاق اڑایا, رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا, رسول کے وارثوں کا مذاق اڑایا, وہ بندگی سے نکل گئے, وہ بندگی سے نکل گئے. یاد رکھ, احتیاط کر کہیں کوئی تیرا جملہ ایسا نہ ہو کہ اس میں دین کا تمسخر آ جائے اور میرے رب کا, میرے رب کی ذات کا جمال جلال سے بدل کر عبدیت ہی سے نکال نہ دے. لیکن اس کے بجائے فرمایا ڈاکو ہے, چور ہے, کتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یوں دلاسہ دے کر لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ تو گناہگاروں کے آنسو اپنی رحمت والی چادر سے پونچھ لیا کرتا ہے. اے جلیل, اشک گناہگار کے قطرہ کو ہے فضیلت تیرے تسبیح کے سو دانوں پر. وہ گناہگاروں کو دلاسے دیتا ہے. جناب سفیان سوری فرماتے ہیں ایک رات میں اپنے بستر پہ گہری نیند سو رہا ہوں, یوں لگا کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے بیدار کیا کہ جا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر. میں پریشان ہو کر, مضطرب ہو کر اٹھا, گلی میں تلاش کیا. تلاش کرتے کرتے دور نکر پہ دیکھا ایک گھر میں جنازے کے آثار نظر آئے. جنازے میں شرکت کی, پتا کیا تو پتا چلا یہ تو محلے کا بڑا فلاں آدمی,
हो। ये क्या मरहला है, इसे तो बड़ा गुनाहगार समझा जा रहा था और मुझे हुक्म हो रहा जा मेरे दोस्त की नमाज जनाजा अदा कर। तदफीन हुई, जनाजा पढ़ाया, घर आकर पूछा बताओ क्या अमल किया इसने। घर वालों ने कहा कोई अमल नहीं, जिंदगी पे जिंदगी गफलत में गुजर गई, बीमार पड़ गया, दोस्तों ने छोड़ दिया, अजीजो अकारब ने मुंह मोड़ दिया, अब ये बिस्तर पे पड़ा है और रो रो के कह रहे हैं ओ मेरे रब्बा सब ने छोड़ दिया, तेरा दरवाजा है, मुझे यकीन है कि वो खुला होगा। मेरा रब्बा तेरे पास तेरे करोड़ हा अरब हा बंदे आएंगे आते रहेंगे और आए हैं, कितने ऐसे जो दुनिया कमा कर आए, कितने ऐसे जो आखरत बना कर आए, कितने ऐसे जो दुनिया और आखरत दोनों बना कर आए। मेरे रब्बा आज तेरे पास तेरे बंदों में वो कमजोर तरीन बंदा आ रहा है जिसके हाथ में ना दुनिया है, जिसके हाथ में ना आखरत है, ना दुनिया बना सका ना आखरत बना सका। मेरे रब्बा बस करम की भीख मांग रहा हूं, तू गफार है, मेरी खताएं कितनी क्यों ना पड़ जाए फिर भी महदूद है, तेरी रहमत ला महदूद है। ये कहता जा रहा है, तड़पता जा रहा है, रोता जा रहा है, मेरे रब को उसके आंसू पे प्यार आ गया। और जब इंतकाल हुआ तो वक्त के इमाम को कहा जा मेरे दोस्त की नमाज जनाजा अदा कर। इसलिए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, जब बंदा इस जज्ब के साथ रब से मांगे कि मेरा रब मेरी जिंदगी की खताओं को गलतियों को लग्जिशों को माफ करने वाला है, तड़प कर मांगे, दिल की गहराइयों से मांगे और ये सोचकर मांगे, पता नहीं फिर मांगना नसीब भी होता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि दुआ इबादत नहीं है, इबादत का मग्ज है, मग्ज लुब नचोड़ है, नचोड़। लिहाजा दुआ इबादत है मुस्तकिल। अपनी जिंदगी में मामूल बनाओ 20 से 25 मिनट किसी एक वक्त में अल्लाह से दुआ मांगने का कि आदत पैदा करो, फिर देखो अल्लाह किस तरह करम फरमाते हैं। हमारी दुआएं भी इसी तरह की। आज पूरे आलम पे जो वबा जो बीमारी छाई हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी दुआएं खोखली दुआएं हैं। कहा कि एक बुजुर्ग ने दुआ की, मजमे ने दुआ की, रो रो के दुआ की कि बारिशें नहीं होती, फसलें नहीं हो रही, फल नहीं हो रहे। तो दुआ के बाद बारिश भी हुई, फसल भी हुई, फल भी हुए, गल्ला भी हुआ, लेकिन सिट्टे के अंदर दाना नहीं और जो गलाफ है फल का उसके अंदर फल नहीं,
वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या मसला है। तो वो फिर रोए कि अल्लाह ये क्या है, दुआएं हुई तो ख्वाब की कैफियत में उन्हें बताया गया, दुआ तो की है, दुआ जाहिरी थी इसलिए जाहिरी फल भी मिल गए, फसल भी मिल गई, अंदर इखलास नहीं था इसलिए उसका फल नहीं आ सका। इसलिए जब तक दिल की गहराइयों से सारे वसाविस को निकाल कर खूब जम कर इस कैफियत में कि मेरा रब मेरी दुआ का तौबा का मुंतजिर है और मैं अपने रब से आज सरगोशी कर रहा हूं उसको मना कर जाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि मेरा रब जरूर करम फरमाएगा, मेरा रब जहां हमारी दुआएं कबूल फरमाकर पूरी दुनिया इस वक्त जिस आलमी दज्जाली फितने की जद में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे हम सब की हिफाजत फरमाए।